ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट था वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में डिलेड था। उसका रीजन ये था कि जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उनको ये लगता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल प्लांट से या एनिमल से मिलेंगे। उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो फोर्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स में है, नॉन लिविंग में नहीं है, इसलिए हम लैब में इसको बना नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट दिया था बर्जीलियस ने और इसीलिए इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो फोर्स उन्होंने कहा कि जो फोर्स प्लांट्स और एनिमल के अंदर है उसको उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स, इस थ्योरी को कहा वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसी को वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जो अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो भी नेचर में मिल रहे हैं कंपाउंड उन कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिसाइड किया, डिवाइड किया। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो प्लांट से मिल रहे थे या एनिमल से मिल रहे थे, प्लांट एनिमल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे, राइट। और जो भी मॉलिक्यूल प्लांट एनिमल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे उनको इन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जो मिनरल से या एयर से मिल रहे थे, मिनरल और एयर ये कैसे है, नॉन लिविंग, तो जो नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे थे उनको इन्होंने कहा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये तो था अर्ली क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, बर्जीलियस ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए और वो जो फोर्स है वो केवल प्लांट्स या एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ओनली सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ओनली सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को ही वाइटलिज्म कहते हैं। तो जब लोगों को लगता था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते हैं, केवल प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब लोगों को यह लगता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं सकते तो लोग बनाते भी नहीं थे, और यही रीजन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी नहीं हो रही थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अब बर्जीलियस का एक स्टूडेंट था होलर, होलर बहुत सारे रेंडम एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो उसने क्या देखा, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट में अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था, NH4CNO है अमोनियम साइनेट, और जब इसको हीट कर रहा था तो उसने देखा कि ऑन हीटिंग ये रीअरेंज होकर के कन्वर्ट हो गया NH2CO NH2 में, NH2CO NH2 ये यूरिया है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि अमोनियम साइनेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह से बर्जीलियस का जो स्टूडेंट था होलर, उसने पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया, और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया तब लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल प्लांट या एनिमल से बना सकते हैं, हम लैब में भी बना सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं।
और जब एक बार लोगों को पता चल गया कि हम सिंथेसाइज कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। आज अगर हम देखें तो हम बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, जैसे टेक्सटाइल देखें, अगर हम पॉलीथीन देखें तो पॉलीथीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कपड़े हैं वो भी पॉलिस्टर्स के बने हुए हैं, वो भी क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारी मेडिसिन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे आप एस्पिरिन है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर हम देखें आसपास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिन्होंने हमारी डेली लाइफ को इजी कर दिया है। और ये सब कुछ हो पाया किसके वजह से, होलर की वजह से, क्योंकि इसने पहली बार इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के ये बता दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। जब होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, लैब में सिंथेसाइज कर लिया, तो होलर के एक्सपेरिमेंट से दो बातें क्लियर हो गई। लिखिए, फ्रॉम होलर एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। फ्रॉम होलर एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। और जब लोगों को लगा कि लैब में बना सकते हैं तो लोग बनाने लगे। ठीक है, अब देखो, एक तो ये बात क्लियर हो गई होलर के एक्सपेरिमेंट से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में बना सकते हैं, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो गलत थी। यहां पे एक बात और पता चली, अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो यहां पे कार्बन वन है, इसमें भी आप देखेंगे वन कार्बन है, यहां पर दो नाइट्रोजन है, इसमें भी दो नाइट्रोजन है, यहां पर फोर हाइड्रोजन है, यहां पर भी टू और टू फोर हाइड्रोजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है और इस पर भी एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम सेम है, इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और फिर भी ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। यूरिया की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, अमोनियम साइनेट की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो यहां पे होलर के एक्सपेरिमेंट से, होलर ने जो ये रिएक्शन किया, इससे एक बात और पता चली कि कंपाउंड्स में कुछ आइसोमेरिज्म टाइप का फिनोमिना है। कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसको हम आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। एक बात तो पता चल गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं, लेकिन हमें साथ में यह भी पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमने ओल्ड डिफिनेशन सेट की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, वो डिफिनेशन भी फेल हो गई। और इसलिए हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एक नई डिफिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव होने का मतलब हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि उसमें से हाइड्रोजन या कार्बन को हटा करके कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे, जैसे OH या NH2, तो इस टाइप का जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा। लिखिए मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव। ठीक है, जो खुद हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड किए जा सकते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, और इसी पर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, देखो, मैं शुरू की 2 से 3 क्लास में ना बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाने वाला हूं, फिर थोड़ा सा जब बेस क्लियर हो जाएगा तो मैं नॉमनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। अभी हम वो बेसिक टर्म्स देखेंगे
जो हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो पहले थोड़े से टूल्स है ये, एक बार ये टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो 2-3 क्लास तक पेशेंस रखना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सर ये तो पढ़ी हुई चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें, तो सीधे एडवांस लेवल पे लेके आओ। आएंगे पर एडवांस लेवल पे भी आएंगे, पर अभी पहले थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा, कार्बन होगा तो उसको हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। सिंपल, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन प्रेजेंट है और अगर वो कार्बन किसी एक और कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन एटम। अगर एक और कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। जैसे अगर हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है और 3 हाइड्रोजन से, तो 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। कोई भी कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है वही उसकी डिग्री होगी। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास CH3COOH है, ठीक है, तो देखिए ये जो कार्बन है ये तो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। लेकिन अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है और साथ में 2 ऑक्सीजन भी अटैच्ड है, तो बताइए इस बार कार्बन की डिग्री क्या होगी। सभी लोग लिख के बताएं जरा, इस बार कार्बन की डिग्री क्या है। देखिए हमने यहां पे लिखा है द डिग्री ऑफ कार्बन एटम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, ठीक है। हमें देखना है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन एटम, राइट। कार्बन से कितने कार्बन अटैच है डिग्री केवल इस बात पर डिपेंड करेगी। अगर कोई हेटरोएटम कार्बन से अटैच है, हेटरोएटम मतलब कार्बन के अलावा कोई भी एटम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वो कार्बन की डिग्री को अफेक्ट नहीं करेगा, तो स्टिल ये कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन इससे एक ही अटैच्ड है। अरे बात समझ में। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस बार कार्बन से एक ही कार्बन और अटैच्ड है लेकिन ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो बताइए इस बार डिग्री क्या होगी। ये 1 डिग्री ही कार्बन होगा, क्योंकि डिग्री केवल इस बात पर डिपेंड करती है कितने कार्बन अटैच्ड हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है या किसी हेटरोएटम से अटैच्ड है। सिमिलरली अगर मुझे डिफाइन करना हो कि सेकेंडरी कार्बन क्या है या 2 डिग्री कार्बन क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH3CH2CH3, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये कार्बन एटम डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन अगर देखें तो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन देखें तो 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन। आ रही बात समझ में। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब यहां पे हर जगह पे हम एक एक कार्बन लगा लेते हैं। आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक एक कार्बन लगा लिया। अब एक बात क्लियर है कि अगर एक यहां पे कार्बन है तो बाकी 2 क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तभी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी ऐसे ही 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं,
यहां पर भी दो हाइड्रोजन, यहां पर भी दो हाइड्रोजन, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर जितने कार्बन एटम हैं वो सभी एक और कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, जितने भी कार्बन एटम हैं वो दो कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। से ये वाला कार्बन है तो ये दो कार्बन से अटैच्ड है। तो यहां पे बताइए जरा इस मॉलिक्यूल में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, लिख के बताओ सभी लोग, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 6। यस, क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, कोई बता सकता है इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? नेम क्या है इस मॉलिक्यूल का? नहीं, इस मॉलिक्यूल का नेम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अच्छा एक और मॉलिक्यूल है ये, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजीन। अब बेंजीन में भी अगर हम देखें, बेंजीन में देखें तो यहां पे सब जगह पे एक एक कार्बन है और यहां पर है हाइड्रोजन, ये है C6H6। और बेंजीन में 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? यहां पर भी सारे कार्बन 2 डिग्री हैं तो यहां पर भी 2 डिग्री कार्बन, 6। अब सिमिलरली सिमिलर बिहेवियर 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, बिल्कुल सिंपली सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड हो, लिख लीजिए द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम। अब देखो अगर हमें टर्शियरी कार्बन चाहिए तो मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए ही, 4 कार्बन से कम में टर्शियरी कार्बन पॉसिबल नहीं है। ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसमें 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। और इसमें देखें तो ये वाला कार्बन कैसा है जो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 3 और 3 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 1। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें ये CH3 CH CH2 CH2 राइट। अब देखिए ये कार्बन कैसा है जिससे केवल एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा है जिससे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, ये वाला और ये, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन कैसा है जिससे 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। चलिए एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, कोई नाम बताएगा इस मॉलिक्यूल का जो 3rd नंबर पे बना है? नेप्थिलीन, बिल्कुल। अगर हम नेप्थिलीन में देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन है, C10। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 4th वैलेंसी, आपको हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करना है। यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे सब जगह पे हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों कार्बन पे हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, यहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो यहां पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10 कार्बन है, लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन 8 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8 है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें, 2 कार्बन से अटैच्ड है इससे और इससे, तो 2 डिग्री कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अगर इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक नीचे वाले से अटैच्ड है इससे और इससे, तो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, सो 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 2। क्वार्टरनरी कार्बन क्या है? कोई भी ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच्ड हो उसको हम क्वार्टरनरी कार्बन कहेंगे।
जैसे ये कार्बन देखिए, अगर इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें हम, दिख रहा है सबको, क्लियर विजिबल है? यस, क्लियरली विजिबल है सबको? हर्षित दिख रहा है बेटा अभी? ठीक दिख रहा है? ओके ठीक है। तो अब अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो डायरेक्टली फोर कार्बन एटम से अटैच्ड है, और अगर डायरेक्टली फोर कार्बन एटम से अटैच्ड है तो ये फोर डिग्री कार्बन है, और इस कार्बन एटम की बात करें तो ये कार्बन ऐसे हैं जो वन कार्बन से अटैच्ड है, तो वन डिग्री कार्बन होंगे, तो फोर वन डिग्री कार्बन इसमें हो गए फोर, और फोर डिग्री कार्बन है वन। अब एक मॉलिक्यूल ये बनाए, इसको मैं अलग से यहां पर बना देता हूं, ये ऐसा है, ये और ये यहां पे लगा हुआ है। अब अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कार्बन देखिए आप, ये कार्बन ऐसा है, यहां पे हर जगह पे कार्बन है, और हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पर भी दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे वन हाइड्रोजन, और इस कार्बन की ऑलरेडी फोर वैलेंसी है। तो अगर इस कार्बन की हम बात करेंगे तो बताइए ये कार्बन कैसा है, तो इससे अगर देखें तो CH3 डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, तो ये वन डिग्री कार्बन। इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो इससे दो कार्बन अटैच है, ये टू डिग्री कार्बन, ये वाला भी टू डिग्री कार्बन होगा, और इस पर्टिकुलर कार्बन से थ्री कार्बन एटम अटैच है, तो ये थ्री डिग्री कार्बन एटम होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री और फोर डिग्री सारे टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, नोट कर लिया था क्या आपने? ये नोट कर लिया सबने? चले नेक्स्ट स्लाइड में, चलो नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ओके डन। नेक्स्ट देखिए, एक और होता है सुपर प्राइमरी या जीरो डिग्री। अब देखिए सुपर प्राइमरी या जीरो डिग्री क्या है, कोई भी ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली किसी भी और कार्बन एटम से अटैच्ड ना हो उसको हम कहेंगे सुपर प्राइमरी या जीरो डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे CH3 और CH3 अगर लें तो इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन से कोई भी दूसरा कार्बन एटम अटैच्ड नहीं है डायरेक्टली, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन से कार्बन, तो यह हो जाएगा जीरो डिग्री कार्बन, ये वाला भी जीरो डिग्री कार्बन। या कि हम फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, तो यहां पर भी आप देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो ये भी जीरो डिग्री कार्बन। या और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3NH2 ले लिया जाए, तो यहां पर भी इस कार्बन से डायरेक्टली कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो इसको हम जीरो डिग्री कार्बन कहते हैं, या इसी को सुपर प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। अब जैसा हमने अभी तक कार्बन की डिग्री देखी है, वैसी हम डिग्री देख सकते हैं हाइड्रोजन की हैलोजन की और एल्कोहल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन, हैलोजन और एल्कोहल की डिग्री। अब हाइड्रोजन, हैलोजन और एल्कोहल की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड हैं। जिस टाइप के कार्बन से अटैच्ड होंगे वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, बताइए जरा ये कार्बन कैसा है, सब लोग टाइप करके बताइए ये कार्बन कैसा है। वन डिग्री, ये वन डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी वन डिग्री कार्बन है, और ये भी वन डिग्री कार्बन है। ठीक है, जबकि अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो ये कार्बन कैसा है, टू डिग्री, बिल्कुल सही, ये टू डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है, थ्री डिग्री, परफेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वन डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो जो भी वन डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन होंगे वो वन डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। वन डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन, वन डिग्री हाइड्रोजन। जैसे यहां पे इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन वन डिग्री हाइड्रोजन हुए।
ये भी तीन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 और ये 3, तो इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। सिंपल, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन से होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन 2, जो 2 डिग्री कार्बन से लगे होंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे? जो 3 डिग्री कार्बन से लगा है, और 3 डिग्री कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन लगा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन फ्रॉम विच इट इज डायरेक्टली अटैच्ड। जिससे वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो जब भी कार्बन पे सीएल लगा है, ठीक है ना, अब हैलोजन में एफ सी एल बी आर आई कुछ भी हो सकता है, तो अगर किसी कंपाउंड में सी एल बी आर आई या एफ लगे हुए हैं तो कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है। और एल्कोहल तो आप लोग जानते ही हो, समझते हो ना, जहां पे OH लगा होगा ऐसे कंपाउंड को हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल की डिग्री भी कार्बन की डिग्री पर ही डिपेंड करेगी। जैसे यहां पे ये सीएल है, अब आप देखिए सीएल किस टाइप के कार्बन से लगा है, तो सीएल 1 डिग्री कार्बन से लगा है, तो ये एल्काइल हैलाइड कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहां पे देखिए OH लगा है, अब आप बताइए OH किस टाइप के कार्बन से लगा है, 1 डिग्री से या 2 डिग्री से? 2 डिग्री से, तो ये एल्कोहल कैसा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। यहां पे देखिए यहां पर भी OH लगा है, तो ये कंपाउंड भी एल्कोहल है। अब कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में? तो ये जिस टाइप के कार्बन से लगा होगा, तो देखिए ये जिस कार्बन से लगा है उससे 2 और कार्बन लगे हैं, ठीक है, तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से लगा है एल्कोहल, इसलिए एल्कोहल कैसा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल की डिग्री किस बात पर डिपेंड करती है, कि वो किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड है। जैसे ये यहां पे सीएल लगा है, तो ये कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड में ये जो क्लोरीन है, ये किस टाइप के कार्बन से लगा है? 1 डिग्री कार्बन से, तो ये एल्काइल हैलाइड कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अरे बात समझ में? चलिए ये वाला बताइए, देखें अगर, तो सीएल यहां पे किस टाइप के कार्बन से लगा है? सीएल 3 डिग्री कार्बन से लगा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन है ये, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बन से लगा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। यहां पर भी ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं, तो ये भी 2 डिग्री एल्कोहल। यहां पे 1 कार्बन से लगा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस टाइप की कार्बन से सीएल OH या हाइड्रोजन लगे हैं वही डिग्री हो जाएगी हैलाइड की, OH की या हाइड्रोजन की। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अमीन। देखो हमने कहा हाइड्रोजन की, हैलोजन की और एल्कोहल की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के कार्बन से जुड़े हैं, पर डिग्री के लिए हम एक और यूज करते हैं, अमीन्स की भी डिग्री हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और जो डिग्री ऑफ अमीन है, तो अमीन्स की डिग्री इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि नाइट्रोजन किस टाइप के कार्बन पर अटैच्ड है, बल्कि अमीन्स की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे 1 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड है तो उसको कहेंगे 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री अमीन, और नाइट्रोजन से कोई भी कार्बन अटैच्ड नहीं है तो फिर वो अमोनिया है, उसको हम 0 डिग्री डिफाइन करते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन से यहां पे 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, राइट, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया। यहां पे नाइट्रोजन से अगेन 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री अमीन। यहां पे अगर देखें तो अब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, और अगर 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा।
यहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस कार्बन से, ये कार्बन नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन ही है। बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है सर यहां पे तो नाइट्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो भैया नाइट्रोजन की कितने नाइट्रोजन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि उससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि वो किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो भले 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है बट ये अमीन 1 डिग्री अमीन ही रहेगा, दिस इज स्टिल 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से तो डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है। ध्यान रखिएगा, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि कौन से नाइट्रोजन की क्या डिग्री है। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये वाला बी है और ये सी है, तो जो ए है इस नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। जो बी वाला है इस नाइट्रोजन से यहां पे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री अमीन। और इस नाइट्रोजन से अगर देखें तो 1, 2 और 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। नेक्स्ट देखिए कि ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, किसी को पता है इस मॉलिक्यूल का क्या नेम है? नेम याद है किसी को इस मॉलिक्यूल को? देखा है पहले क्या आपने कभी ये मॉलिक्यूल? ये है मेलामाइन, और इसी से मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पॉलीमर बनता है। आपके घरों में जो क्रॉकरी वाली प्लेट होती है ना, तो जो मम्मी किसी गेस्ट के आने पे निकालती हैं फिर अंदर रख देती हैं, व्हाइट कलर की प्लेट, राइट, ये मेलामाइन की ही बनी होती है। ठीक है, अब मेलामाइन में हमें यहां पे ये देखना है कि कितने 1 डिग्री नाइट्रोजन है, कितने 2 डिग्री। तो ये नाइट्रोजन अगर देखें तो इससे एक कार्बन अटैच्ड है, तो 1 डिग्री हुआ। यहां पे अगर हम देखें तो 1 डिग्री नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तो 1 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएंगे 3। और 2 डिग्री, तो ये वाला नाइट्रोजन, ये और ये 2 डिग्री हो जाएंगे, तो 2 डिग्री भी 3। ठीक है, और यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा आता है कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर हैं, तो आप देखिए मेलामाइन में टोटल 6 नाइट्रोजन है, हर एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 6 लोन पेयर हो गए। अगर पूछा जाए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हर एक लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, एक पेयर मतलब 2, तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे 12 हो जाएंगे, लोन पेयर पूछा जाएगा तो 6 हो जाएंगे। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेलामाइन में कितने ऐसे लोन पेयर हैं, हालांकि क्वेश्चन आगे का है फिर भी ट्राई कीजिएगा आप, कितने ऐसे लोन पेयर हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कितने ऐसे लोन पेयर हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये है, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो रिंग के नाइट्रोजन है इनका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये वाले क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले जो NH2 वाले हैं वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन वाले या रिंग वाले क्यों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये अपन डिस्कस करेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी हमारा फोकस केवल यह है कि मेलामाइन में 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन कितने हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, डिग्री पढ़ लिया। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक बात तो क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन किसका डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो आप सबको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो,
सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है, कोई भी दो एटम है अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो जो पहला बॉन्ड बनता है इट इज ऑलवेज सिग्मा। तो यहां पे पहला बॉन्ड बन रहा है, चार सिग्मा बॉन्ड बन गए। अच्छा कोई भी एटम है जिसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो पहला सिग्मा बना है, दूसरा हमेशा पाई होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पहला सिग्मा बाद वाले दो पाई, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ठीक है टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, फोर सिग्मा। अगर हम इसमें पाई बॉन्ड की बात करें कि टोटल पाई बॉन्ड कितने बने हैं, तो यहां पाई बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं, जीरो पाई बॉन्ड। तो जहां कहीं पर भी कार्बन ऐसा है कि सारे के सारे सिग्मा बना रहा है, पाई बना ही नहीं रहा है, वहां पे हमेशा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है वह। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसकी ज्योमेट्री या जो शेप है वो टेट्राहेड्रल और वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बना ले, और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। अभी भी कार्बन टोटल फोर बॉन्ड बना रहा है बट इस बार थ्री सिग्मा है और वन पाई। तो जब भी कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अब ये तीनों चारों एटम कौन कौन से, कार्बन और कार्बन से जो सराउंडेड है ए बी डी जो इससे लगे हुए एटम है, ये सारे एक ही प्लेन में आएंगे और इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर का मतलब है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप टेबल की सरफेस पर रख दें और सारे के सारे एक प्लेन पे आ जाएं। जैसे आपका ये बोर्ड प्लेनर है तो यहां पे कार्बन ए बी और डी सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो ये हो गया ट्राइगुलर प्लेनर। यहां पे बॉन्ड एंगल अगर देखें तो 120 डिग्री होगा। अब कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जब बन रहा है तो एक सिग्मा है, पहला बॉन्ड सिग्मा बाद वाले दोनों पाई। और अब यहां पे देखें तो टू सिग्मा और टू पाई। तो जब भी कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल है राइट, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। और अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी, और यहां पे लीनियर का मतलब है कि ये जो तीन एटम है ये एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर है तो इसका मतलब कि ये कार्बन, ये ए बी और ये डी, ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। अगर ये लीनियर है तो ए सी और बी ये तीनों एक लाइन में आएंगे। अगर इसके आगे हम कोई और एटम जोड़ दें तो फिर हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। यहां पर लीनियर का मतलब है कि ये तीनों एक लाइन में आएंगे। ठीक है, अब यहां पे कार्बन एलीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। एलीन ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, कोई मॉलिक्यूल जिसमें लगातार डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उनको एलीन कहते हैं। तो ये एलीन टाइप स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। यहां पर देखें तो दो पाई बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, यहां पर भी एक सिग्मा एक पाई, तो ओवरऑल कार्बन से दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड अटैच है। और जब दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड अटैच्ड हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा,
और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये मॉलिक्यूल अगेन लीनियर होगा, और यहां पे लीनियर से मेरा मतलब ये है कि ये तीन एटम एक लाइन में होंगे और यहां पर भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और इनमें हमें ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो यहां पे देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, कितने कार्बन अटैच्ड हैं इस बार इस कार्बन से, एक कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका भी अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन का देखें तो ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए जरा क्या होगा, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, ये एक पाई कितने बना रहा है, दो पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पे कि एक मॉलिक्यूल दे दिया कि इस मॉलिक्यूल में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिफरेंट एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 sp2 sp sp, इतने क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सिंगल बॉन्ड कौन बन रहा है, ये वाला, और यहां पर ये किस किस कार्बन को यूज करके बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन को यूज करके बन रहा है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा देखिए, इस बार बता दीजिए लेफ्ट टू राइट सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट वाले का बताते जाओ क्या होगा, फर्स्ट का sp2, इसका भी sp2, बीच वाले का इसका इस बार एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, अब किनारे वाले का, इन दोनों का sp, ये भी sp। ठीक है, यहां पे देखिए ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि जिस एक पाई बॉन्ड लगा है, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 और ये भी sp2, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं यहां पे। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका नेम आप सबको पता है, क्या नाम है इसका, बेंजीन। और अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल में देखें तो यहां पे हर कार्बन से दो कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, तो अब बेंजीन में बताइए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, 6। ठीक है, बताइए इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, बेंजीन में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 6। बहुत बढ़िया, बताइए इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 6। यस, 12 नहीं है बेटा, देखो ये जो कार्बन है इन सभी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो अगर 3 बॉन्ड बना रखा है तो सब पे हम केवल एक एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C6H6, तो 6 ही हाइड्रोजन है और जितने हाइड्रोजन है सब 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन भी 6 होगा। अब जरा बताइए इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ये वाले, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, उसके अलावा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन से भी जो बॉन्ड बना रहा है ये भी सिग्मा है, तो टोटल 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 12। ठीक है, जिसमें से 6 कौन से हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड
और 6 कार्बन हाइड्रोजन, और अगर यहां पे हम सिग्मा और पाई का रेशियो देखें तो 12:3 या 4:1 का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए ये सबको पता है कौन सा मॉलिक्यूल है, ये नेप्थिलीन, अभी हमने आज ही डिस्कस किया था। अब नेप्थिलीन मॉलिक्यूल में अगर देखें तो बताइए जरा कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं नेप्थिलीन में, sp2 कार्बन कितने हैं? तो देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी हमने देखा भी था कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10 और H8 है, राइट? 10 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ये ऑलरेडी 4 डिग्री कार्बन है, यहां पे कार्बन पे ऑलरेडी 4 वैलेंसी सैटिस्फाइड है, तो बाकी जगह तो हम हाइड्रोजन लगाएंगे यहां पे, लेकिन इस कार्बन पर हम हाइड्रोजन एड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। क्लियर? C10H8 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जितने कार्बन हैं सारे कार्बन ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड्स, देखो ये वाला भी पाई बॉन्ड्स जुड़ा है, ये वाला भी, सारे के सारे पाई बॉन्ड्स जुड़े हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएंगे 10, sp2 कार्बन 10। अगर इसमें बात करूं मैं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो ये वाला और ये वाला 3 डिग्री है, बाकी सारे 2 डिग्री हैं। ठीक है, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 8। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 2 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 8 2 डिग्री हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है सब 2 डिग्री हाइड्रोजन 8। इसमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें और पाई बॉन्ड देखें, तो पहले अपन पाई बॉन्ड देख लेते हैं। बताइए जरा पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 5। ओके, तो पाई बॉन्ड ये 5 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गए, उसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11। 11 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 11 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में है, उसके अलावा 6, 8 हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन कार्बन के साथ केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, तो 11 यहां पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बन गए 19, पाई बॉन्ड बन गए 5। तो अगर हम यहां पे सिग्मा और पाई का रेशियो निकालें तो ये रेशियो होगा 19:5 का। अब यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, तो अभी हमने बताया था, आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 में से, और sp में प्लेनर कब है, प्लेनर कब है, sp2, राइट? अच्छा sp2 प्लेनर है, ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसके मतलब वो मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वो भी प्लेनर होगा। ठीक है, जैसे यहां पे बेंजीन में अगर हम देखें सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो बेंजीन कैसा हो जाएगा, ये प्लेनर होगा। नेप्थिलीन में भी सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो नेप्थिलीन भी कैसा है, ये भी प्लेनर है। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल में इसमें 2 कार्बन sp2 हैं और 2 sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब एक बात समझना, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो लीनियर होता है, और प्लेन में हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड हैं तो भी प्लेनर होगा, बस sp3 जब आ जाएंगे तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो यहां पर या तो सारे sp2 हैं या ये वाले sp हैं, sp हाइब्रिडाइज लीनियर है और लाइन को भी हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर होगा। यहां पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो ये वाला
नॉन प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल, यहां पे सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये प्लेनर, बेटा कुछ लोगों का नेट, जानवी तुम्हारी वॉइस इसलिए नहीं आ रही है कि क्योंकि नेट स्लो है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, जब भी किसी का नेट स्लो हो तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो तो वॉइस आ जाएगी। कौन सा एक फर्स्ट वाले में कोई भी sp3 है ही नहीं, फर्स्ट वाले में सारे sp2 हैं। हाँ एक भी sp3 हुआ तो नॉन प्लेनर। अच्छा शेफाली, एक भी अगर sp3 हुआ तो फिर वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। sp3 बिल्कुल सलोनी बॉल, बिल्कुल एक भी sp3 आया तो फिर वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब जैसे CCN whole 4, ठीक है ना, CN आपको पता है कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड N का स्ट्रक्चर ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड N CCN whole 4। अब अगर हमें इसमें देखना है कि कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो यहां पे 3 ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 4 ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं और हर एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, तो यहां पे पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और 8, ठीक है, सिग्मा और पाई, तो पाई आ गए 8। सिग्मा कितने होंगे, तो एक कार्बन नाइट्रोजन, यहां पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन नाइट्रोजन और 4 ये कार्बन कार्बन वाले, तो 8 सिग्मा है और 8 पाई है, इसलिए सिग्मा पाई का रेशियो 1:1 है, ठीक है, 8 सिग्मा 8 पाई रेशियो 1:1। अब एक है C2CN whole 4, अगर हम C2CN whole 4 को देखें, ठीक है, तो इस बार कार्बन से 4 CN लगा देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसा है। अभी यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि वैलेंसी बीच वाले कार्बन की सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है, लास्ट वाले का मैं यहां पे लिख देता हूं, 7th वाले के लिए एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख देता हूं, बताइए इस बार सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं, ठीक है, तो पाई कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 और एक ये, तो यहां पे 9 पाई बॉन्ड है और सिग्मा भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9:9 सिग्मा पाई का रेशियो हो जाएगा यहां पर भी 1:1 का।